राती राती फ्रेंड्स, राधा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम चार बिना प्याज लहसुन की झटपट से बन जाने वाली सब्जियां बनाएंगी। दाल पालक जो बिना प्याज लहसुन की बनती है, दही अरवी की सब्जी, बिना प्याज लहसुन का टमाटर मसाला और 5 मिनट कद्दू का रायता। तो सबसे पहले बनाएंगी दाल पालक दाल भाजी। मैंने एक कटोरी मूंग दाल ले ली है, अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। यहाँ मैंने दाल और पालक दोनों बराबर मात्रा में ले लिए, अच्छे से वॉश कर लिए। दाल और पालक को भी वॉश करके कट कर लिया था, गर्म पानी में डालेंगे। अच्छे से बॉईल कर लेना है इसको, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 3 चम्मच धनिया पाउडर। फ्रेंड्स, ये थोड़ा एक्स्ट्रा डालता है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये सब्जी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है। अब एक बार ज़रूर बनाएं। 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। फ्रेंड्स, ये कुटा हुआ अदरक और हींग मैंने दोनों को मिक्स करके कूट लिया था, अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एक बार ऐसे ज़रूर बनाकर देखें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी दाल और भाजी दोनों अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और साथ में 1 चम्मच घी ऐड करेंगी और हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। देसी स्टाइल में बनने वाली दाल पालक भाजी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनती है। राधे राधे। यहाँ मैंने अरबी को अच्छे से वॉश करके रख लिया है। प्रेशर कुकर में पानी को गर्म होने रख दिया था, सारी अरबी डालेंगे। ढक्कन लगा के 2 विसल लगा लेंगे। प्रेशर निकल गया है, अच्छे से बॉईल हो गई है अरबी। तो इसका सारा पानी निकाल के छलनी में डाल दिया है। सारी अरबी अच्छे से ठंडी हो गई हैं, अब इनका छिलका अलग कर लेंगे। आप कट कर लेंगे सारी अरबियों को, उबलने के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं और आसानी से कट जाती हैं। सारी अच्छे से कट गई हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई को गर्म होने रख दिया था, 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है और उसमें डालेंगे हमारी कटी हुई सारी अरबी। 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करना है। अब अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट इनको चला लेना है। सारी निकाल लेंगे प्लेट में। मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और 2 चम्मच दही, पानी डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसी कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी हींग डालेंगे और सारा मसाला जो हमने बना के रखा हुआ है वो डाल देंगे और अच्छे से ऑयल निकलने तक इसको चलाते हुए पका लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारा मसाला अच्छे से सिक गया है। अब डालेंगे हमारी अरबी जो हमने प्लेट में निकाल ली थी हल्का सा रोस्ट करने के बाद। 1 मिनट के लिए ढकेंगे और हमारी झटपट सी चटपटी अरबी बन के रेडी है। धनिया डालेंगे, अब सर्व करेंगे। ज़रूर बनाएं से। टमाटर मसाले के लिए हमने रख दिया है 1 चम्मच जीरा डालेंगे। बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लंबे लंबे कट करके रख लिए थे, उनको डालेंगे साथ में। नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको सेक लेंगे। ऑयल निकलने पर 2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। इसको सेकने की ज़रूरत नहीं है, वो मसाले में इसी तरह से सिक जाएगा। 2 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दूध की निकली हुई फ्रेश क्रीम, इससे बहुत ही अच्छी क्रीमी टेक्सचर की सब्जी बनती है। मिक्स कर देंगे अच्छे से, ऑयल निकलने तक ढक देंगे। इसको बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच इसमें डालेंगे शक्कर। अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट और सेक लेंगे और हमारी सब्जी बन के बिल्कुल रेडी है। झटपट से बिना प्याज लहसुन की धनिया डाल देंगे, सर्व करेंगे। ज़रूर ट्राई करें इसको। कद्दू का रायता बनाने के लिए मैंने कद्दू को अच्छे से वॉश करके कट करके बॉईल कर लिया है और अब इस तरह से इसका पानी से अलग कर देंगे और दूसरे बर्तन में रख लेंगे।
अब इसको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगी। ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसका इस तरह से हाथों से प्रेस करके पानी निकाल देंगी सारा और बाउल में रखते जाएंगी। इस तरह से ड्राई हो जाना चाहिए। अब ग्राइंडिंग जार में 1 कप भर के फ्रेश दही ऐड करेंगे, सारा डाल देंगे, साथ में हाफ बाउल पानी ऐड कर देंगी और अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है। ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है, इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगी। अब इसमें आधा चम्मच काला नमक ऐड करेंगी, आधा चम्मच सादा नमक, चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगी। अच्छे से सारे मसाले मिला देंगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें से आने वाली अगली वीडियोस आप तक पहुंच जाएगी। साथ में बॉइल्ड कद्दू भी ऐड कर देंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 क्रश की हुई हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर आप तीखा खाते हैं तो डालें, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आता है। 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सरसों, थोड़ी हींग, मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था, उसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको, मैंने गैस ऑफ कर दिया था क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया था। अब इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते। जीरा सिकने के बाद गैस ऑफ कर दें, उसके बाद ही कड़ी लीव्स डालें क्योंकि गरम जलते हुए गैस में ये बहुत उछलते हैं। गरम गरम तड़का ऐड करेंगे हमारे रायते में। अच्छे से तड़का को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे हमारे रायते में अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, हमारा रायता बन के रेडी है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट में हमारा चटपटा देसी स्टाइल कद्दू का रायता बिल्कुल रेडी है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। राधे राधे।